मिला भाई अभी इधर ही है, इधर ही है। अभी आप चेंज कर लो वो जो तुम चेक लेके आई हो ना, शर्ट शर्ट है और वो जींस। सुनिए यहाँ पे एक शॉट दी थी अभी, हो गया सर मनोज जी सामने देखिए थोड़ा, मैम यहाँ देखिए। या मैम या थोड़ा कम क्लोज है कम क्लोज यस करेंगे। वो गाड़ी में बैठा लड़की ऑटो से गाड़ी बैक फोटो ले ले यहाँ पे आ जाए। वेट लोके सर लोके जरा सर सर यहाँ सेंटर देखिए ये फोटो हो गए गाड़ी लेके जाओ कर 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 गाड़ी में कोई है ही नहीं। और तो मैं कुछ हद तक बहुत खास और बहुत अलग है तो खुद सोच के देखिए क्या खास है और क्या अलग है। देखिए मेरी शॉर्ट फिल्म जो है वो एक तो एक किस्म की जो है इसको शॉर्ट फिल्म जो है अपने आप में शॉर्ट फिल्म है, लेकिन ये शॉर्ट फिल्म होने के बावजूद इसमें हमने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की और ये एक ट्रिब्यूट है। ये जो है साहिर साहब का, मैं बचपन से जब से मुझे जो है वो सिनेमा को समझने लगा और बचपन में जब हमने फिल्में देखी और गाने सुने और सब चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में जब आई सिनेमा को लेके, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ों ने मुझे प्रभावित किया वो संगीत था। और मैं हमेशा से ऐसा मानता हूँ कि संगीत जो है वो ईश्वर की देन है और उसमें जो है लिरिक्स एक बड़ा इंट्रीगल पार्ट प्ले करते हैं। और मैंने कहीं एक बड़ा अच्छा कोटेशन पढ़ा था कि जब आप बहुत खुश होते हो तब आप म्यूज़िक सुनते हो और जब आप दुखी होते हो तो आप शब्द सुनते हो। तो वो जो शब्द हैं जिससे आदमी रिलेट करता है, और मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में साहिर साहब से बड़ा फिल्मी शायर कोई नहीं हुआ, तो उनको मैं अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट देना चाहता था। और उनकी मैंने जो उनकी और अमृता प्रीतम जी की एक लव स्टोरी जो कि बड़ी अपने आप में एक बड़ी यूनिक सी है, उसको मैंने देखा पढ़ा कई चीज़ें उसकी जब रिसर्च की तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर कुछ करना चाहिए, लेकिन कई कॉपीराइट के और 50 चीज़ों के एक्ट जो है बीच में आ रहे थे। तो मैंने एक ऐसी कहानी का ताना बुना जिसमें कहीं भी लड़का और लड़की जो है वो ना तो कोई साहिर साहब प्ले कर रहा है ना कोई अमृता जी प्ले कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहानी उनसे रिलेटेड है, उनकी चीज़ों से उनके गानों से उनकी बीच की जो उनके आपस की एक रिलेशनशिप थी उससे इंस्पायर्ड है। लेकिन हमने कोशिश की है कि उसको इस तरीके से कहा जाए कि वो बिल्कुल अलग है, यूनिक है और कुछ ऐसा है जो शायद पर्दे पर पहली बार आए।
ये भी कहना चाहूँगा कि कांस में भेजने का है आपको ये प्लान, तो क्या कहना चाहेंगे वो कितना बड़ा आप अचीवमेंट मानते हैं, क्योंकि कांस जैसे प्लेटफॉर्म पर भेजना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी फिल्म मेकर के लिए। लेकिन मैंने इसके पहले एक फिल्म की थी 6X जो मैं कांस फेस्टिवल में मैंने कॉम्पिटिशन कैटेगरी में भी डाला था, बाद में उसको शोकेस भी किया था, और जब मैं वहाँ गया उसके पहले मैंने सारी की सारी फिल्में प्योर कमर्शियल सिनेमा बनाया था, लेकिन वो कांस फेस्टिवल का मेरा एक एक्सपीरियंस, और उसके बाद मैंने कई बार जो है वो 4 बार और कांस में गया, प्लस मैंने अमेरिकन फिल्म मार्केट, AFM और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और वेनिस फिल्म फेस्टिवल और ये सब जब अटेंड किए, तो सिनेमा को लेके मेरी काफ़ी जो है वो नॉलेज भी थोड़ी बड़ी इजाफा हुआ, कई चीज़ें नई मेरे जहन में आई, और मुझे समझ में आया कि जितना सिनेमा हम जो है वो मनमोहन देसाई साहब और प्रकाश मेहरा जी, अनीस भाई और रोहित जी और इन सब का जो सिनेमा देख देख के हम बड़े हुए हैं, जितना कमर्शियल सिनेमा मैंने देखा भी, बनाया भी, जिया भी, लेकिन जब ये करना शुरू किया और ये देखा तो मुझे लगा कुछ और भी है जो मुझे अभी तक पता ही नहीं था, तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक अगली कड़ी है। और कांस फेस्टिवल का अपना एक वो मैं मानता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का वो सबसे बड़ा जो है, हम उसको मक्का मदीना भी कह सकते हैं, या हमारे जैसे चारों धाम की यात्राएं हैं, तो वो जो सबसे बड़ी जो सिनेमा के लिए सबसे बड़ी जो धार्मिक स्थल है, यात्रा है, वो कांस है, तो वहाँ पर जाने का मौका मिले इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरह जुड़े हुए हैं और सर के बारे में और स्टार का रोल, और ये प्रोजेक्ट कितना अलग मानते हैं, कितना यूनिक मानते हैं प्रोजेक्ट का? यार मैं ना सिंपलिसिटी में बिलीव करने वाला आदमी हूँ, तो मुझे इस स्क्रिप्ट में मैं तब तक किसी स्क्रिप्ट के लिए हाँ नहीं कहता जब तक वो मेरे दिल को नहीं छूती है। तो ये स्क्रिप्ट जब मुझे सर ने ऑफ़र की, तो इसकी सिंपलिस्टिक जो नेचर है फिल्म का, जिसमें बहुत बड़ी घटना हो रही है लेकिन वो ऐसी नहीं है कि बहुत ड्रामेटिक और बहुत बड़ा उसके आगे पीछे तामझाम है, इट्स वेरी सिंपल, तो वो मेरे दिल को वो बात छू गई, और 3 लोगों के बीच की कहानी है, तो उसी वजह से मैं ये फिल्म से जुड़ गया। और जिस तरह से शूट हो रही है वो भी बहुत सिंपलिस्टिकली शूट हो रही है, बहुत सहज तरीका है सर का काम करने का, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता एक्टर के ऊपर कि उसे बहुत ज़्यादा सोचना पड़े या कंफ्यूज हो, तो वो एक स्टाइल ऑफ वर्किंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जहाँ एक्टर जब तक उसको फ्रीडम होगी तो वो अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें ला सकता है, अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है, विच चांस आई एम गेटिंग हियर, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए तो यूथफुल स्टोरी है, हम बात जो है वो साहिर साहब और अंबिका प्रीतम जी की और 70s की और 80s की और 60s की कर रहे हैं, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में है, आज के लड़का, आज का लड़की, और साथ में जो है वो हेमंत जी जो है वो रजा साहब जो हैं वो भी, मतलब हमने कहीं किसी चीज़ में कोई ये नहीं कोशिश की है कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एजेड लगे, हैवी लगे, बातें बहुत हल्के तरीके से कहने की कोशिश की है। आज की यूथ ओरिएंटेड स्टार कास्ट चाहिए थी और वो हैं, हेमंत जी भी इन दिनों जो है, और ये आजकल OTT फ्रेंडली ज़माना है, एक टाइम था 2 साल पहले कोविड के पहले कि सिनेमा सब कुछ जो है वो पर्दे वाला होता था, बट ये काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, और आजकल ऑडियंस जितना OTT फ्रेंडली हो गई है, जितने वो हमारे आज के एक्टर हैं जो OTT पे दिख रहे हैं उनसे ज़्यादा रिलेट करती है, तो मुझे लगा कि इनके साथ अगर ये बनाया जाएगा तो लोग ज़्यादा इसको रिलेट करेंगे। वैसे भी ये जो है वो कोई सिनेमा हॉल के लिए फिल्म नहीं है, ये उसी प्लेटफॉर्म के लिए है जहाँ के ये सब लोग हमारे एक्टर हो। बस ये समझूंगा कि कहने को तो शॉर्ट फिल्म होता है, लेकिन शॉर्ट फिल्म के मीडियम में आप कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि फिल्म फेयर में भी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी को अवॉर्ड किया जा रहा है, और बजट के हिसाब से देखा जाए तो बजट भी कम नहीं रहते हैं शॉर्ट फिल्म की, तो वो बताइए वो कितनी बड़ी बात है? देखिए शॉर्ट फिल्म सिर्फ एक टर्म है, शॉर्ट फिल्म कोई देखिए कहानी खुद बोलती है कि उसको कैसे शूट किया जाए। कई बार आप क्या करते हो कि किसी फिल्म को ज़बरदस्ती इलैबोरेट करते हो, कुछ सब प्लॉट डालते हो, उसको ख़राब कर देते हो, पर कोई चीज़ अगर इतने में समझ में आ रही है तो उसको उतने में ही कहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक मुकम्मल चीज़ है। शॉर्ट फिल्म को सिर्फ ये कहना कि ये शॉर्ट फिल्म है या वो फीचर फिल्म फुल लेंथ, अगर बड़ी फिल्म की रिक्वायरमेंट होगी या कहानी इतना कुछ मांगती होगी तो वैसे करेंगे, बाकी आई थिंक दिस इज़ ए टोटली कम्प्लीट फिल्म। शॉर्ट फिल्म सिर्फ इसका नाम, आप एक टर्म यूज़ कर सकते हो, मेटाफर है, बट बेसिकली इट्स फुल फिल्म। और एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि बजट का और क्रिएटिविटी का कोई लेना देना नहीं, मतलब एक बड़ी से बड़ी फिल्म भी सस्ते में बन सकती है लेंथ वाइज, और एक छोटी से छोटी फिल्म भी बहुत खर्चा करके बनाया जा सकता है। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है कि शॉर्ट फिल्म है तो उसका बजट कम होगा, ज़रूरी नहीं है।
वो छोटी फिल्म का बजट बड़ा भी हो सकता है और बड़ी फिल्म का बजट छोटा भी हो सकता है। नहीं, सबसे पहले तो हमारा क्राइटेरिया है कि हम पूरे दुनिया भर के फेस्टिवल्स में इसको पहले दिखाएं और हमारी ऑडियंस जिसके लिए हमने बनाई है और हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी जो कि साहिर साहब से सबसे प्रभावित है, पहले वो सब देखें, उसके बाद प्लेटफॉर्म जो है वो सेकेंड। थैंक यू। एक मिनट, पहला सवाल क्या था? ओके, सो नो, आई एम जस्ट जोकिंग। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। एक्चुअली सी के सर एंड मी, हम एक्चुअली काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ काम करें। एक दो और प्रोजेक्ट्स भी है, ही हैज मी इन माइंड। और हमारा संबंध बहुत पुराना है बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि आप सब जानते हो, ही हैज वर्क विद माई मदर। सो फॉर मी इट्स ऑलमोस्ट लाइक माई लाइफ इज़ कम अ फुल सर्किल। तो जब इन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, खुश था। एंड आई लव डूइंग शॉर्ट फिल्म्स यार, बिकॉज पहले तो ये शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है, इट्स लाइक आओ काम करो आगे बढ़ो, इट्स ग्रेट। एंड सेकेंडली मेरे ख्याल से शॉर्ट फिल्म इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग, यू नो, बिकॉज जब आप एक वेब सीरीज में काम करते हो या फिल्म में काम करते हो, यू आर थिंकिंग ऑफ TRPs, बॉक्स ऑफिस नंबर्स। जब आप एक शॉर्ट फिल्म में काम कर रहे हो, इट्स वेरी प्योर, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द आर्ट एंड नॉट रियली अबाउट द कॉमर्स। इट इज एक्चुअली वेरी कम्फर्टेबल आई एम फीलिंग एंड या ऑफकोर्स आई हैव डन वेरी ग्लैमर कैरेक्टर इन द पास्ट, बट ये कैरेक्टर थोड़ा सा ओल्ड ख्याल वाला एंड ओल्ड जमाने का वैसा कुछ कैरेक्टर है और आई एम वेयरिंग इंडियन, यू कैन सी दैट। सो आई एम फीलिंग वेरी नाइस एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तनुज, OTT पे भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, वर्क वर्किंग, मतलब क्या करेंगे ये जो प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट फिल्म आज के दौर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, तो व्हाट आर योर कमेंट ऑन द प्लेटफॉर्म? आई फील ये जिस तरीके से हम अपना एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं पिछले 4-5 सालों में, इट हैज़ बीन रैपिडली चेंजिंग। एंड ऑफकोर्स पैंडेमिक की वजह से इट गॉट एक्सेलरेटेड इवन फर्दर, बिकॉज ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल तक वी वर नॉट एबल टू गो टू द थिएटर। अभी सिनेमाज तो रिसेंटली खुले हैं, राइट? एंड आई जस्ट फील कि कई ऐसे सब्जेक्ट्स है या ऐसी माउंटिंग है एक प्रोजेक्ट की जो एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए बना गया है। एंड देयर सर्टेन प्रोजेक्ट्स विच आर ग्रेट कि आप आराम से घर पे बैठो, चिल मारो एंड वॉच इट इन द कम्फर्ट ऑफ योर होम, यू नो। सो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है फिल्म मेकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए एंड ऑफकोर्स एक्टर्स के लिए, उन्हें ये पहचाना बहुत ज़रूरी है कि ये वॉट प्रोजेक्ट डिजर्व्स वॉट मीडियम, यू नो। ऐसा नहीं कि यू नो फिल्म इज़ बेटर और OTT इज़ बेटर, बट इट्स डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। आई थिंक येस ऑफकोर्स, वाई नॉट, बिकॉज अभी OTT काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो फीमेल ओरिएंटेड हैं, फीमेल भी प्रोजेक्ट को चला सकती हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी लक्की बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म लाइक प्रोजेक्ट दिस शॉर्ट फिल्म एंड आई होप दिस इज़ गोना बी ग्रेट। It will. And the project will go to Cannes. I mean, Cannes बहुत बड़ा platform है. सर के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे जो Cannes में ले जा रहे हैं और you know वहाँ से जो applause मिलता है, जो आपको media attention मिलता है, वो काफी बड़ा होता है. उसके बारे में बताइए क्या कहेंगे? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जब CK सर ने मुझे बताया कि उनका ये प्लान है कि इस प्रोजेक्ट को कान फिल्म फेस्टिवल पे भेजे, तो ऑब्वियसली आई मीन किसी भी एक्टर के लिए लाइक इट इज़ इट्स अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने बस सर को बोला कि मुझे भी ले चलो, हम दोनों को ले चलो, हम आपके बैग में भी चले आएंगे, बट प्लीज ले चलो। और ये आई थिंक ये CK सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुझे जितना मुझे पता। I'm happy that you know Tanuj ne to last moment pe I just spoke to him and he somehow managed his dates and we started shooting this. Lastly, आपके लिए ये जानना चाहूँगा कि आज के ज़माने में content बहुत बड़ा subject हो गया, कि content बहुत इतना, कश्मीर फाइल्स की बात नहीं लगी, वाला फिल्म मेकर ऐसा इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर किसी से क्लास हो या मास हो, क्या कहना चाहेंगे? झूम आई गंगूबाई, उन्होंने भी अच्छा बिजनेस किया, लेकिन यू नो एज कम्पेयर टू कश्मीर फाइल्स अभी एक रेज क्रिएट कर दिया, उसके अनुमति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले लोग कहते थे कि कंटेंट इज़ द किंग, मुझे लगता है कंटेंट इज़ द किंगडम, कंटेंट ही सब कुछ है, कंटेंट ही जो है वो चलेगा। और ये खासकर ये छोटे जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स ने 2 साल में चीज़ें बदल दी है, अब एवरीथिंग इज़ लाइक, पहले जो है वो बड़े स्टार और फिल्म के स्टार, अब ऐसा कुछ नहीं। इवन इन हॉलीवुड नो दे आर मेकिंग
ओनली दिस मार्वल एंड डिज्नी फिल्म्स आर बिगर फॉर द थिएटर, बाकी तो सब कुछ जो है वो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। I completely agree with sir कि content is not just king, content is the kingdom these days. और you know पहले 90s में 2000s में अगर आप देते तो star power के बलबूते films चल जाते थे, but आज if the audience feels कि यार कहानी तो है नहीं इस picture में तो वो लोग नहीं आएंगे. And even if it's a small film, पहले तो मैं मानता नहीं कि कोई बड़ी या कोई छोटी picture है, I mean बजट तो अलग बात है, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द आइडिया बिहाइंड द फिल्म इज. सो आई फील सिनेमा अच्छा है, मतलब बड़ा या छोटा होता है, सिनेमा अच्छा या बुरा हो सकता है, सिनेमा बड़ा या छोटा हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली. फॉर एक्टर एक्चुअली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब एवरीवन इज वर्किंग नाउडेज बिकॉज़ ऑफ ओटीटी ओनली एंड कंटेंट. सो जी फर्स्टली थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग माई मदर. आई फील कि आई मीन पहले तो आई डोंट लाइक दिस होल टैग ऑफ स्टार सन एंड ऑल. इनफैक्ट कई सालों तक लोग शायद मुझे पहचानते भी नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली माई मदर्स मेड इन सरनेम इज़ अग्निहोत्री, मेरा सरनेम मिरवानी है जो डैड का सरनेम है. बट आई जस्ट फील इट इज़ अ बिट ऑफ अ डबल एज सोर्ड, यू नो लाइक ऑफकोर्स आपको शायद और ईजिली एक्सेस मिल जाता है इंडस्ट्री में, बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट माई मदर सो दे विल नॉट हेजिटेट टू मीट मी. बट उसके बाद अगर कोई प्रोड्यूसर आप पर बेट करना चाहता है कि पैसा लगाना चाहता है तो ही इज़ नॉट गोइंग टू लुक एट आप किसके बेटे हो किसकी बेटी हो. यू नो एट द एंड ऑफ द डे इफ ही फील्स कि आप में वो बात है, वो एक एक्स फैक्टर है, तो वो आपको साइन करेगा, नहीं तो यू जस्ट हैव टू वर्क एट गेटिंग बेटर. आई हैव नॉट हैड द बेस्ट ऑफ स्टार्ट्स इन द इंडस्ट्री, देन धीरे धीरे करके आई थिंक आई फाउंड माई सेल्फ अगेन ऑन द ओटीटी स्पेस. I forgot everything I learned initially and I said okay junior kg se fir se start karenge and then slowly and surely you know you head in the direction that you want to. And what about next project? I mean, are you working on it right now and besides this are you looking for something else? Yeah, so I mean I have the third season of Abhay coming out on Z5. It's going to be out on the 8th of April. Uske baad we'll have the second season of Code M. Then I'm doing this one show with KK Menon, which I'm really excited. It's called Murshid. I've got a film with Vijay Raz called Johnny Jumper. I'm currently working on a Dharma film. And yeah, we've got a couple of other things. So yeah, let's see how it goes. Yeah, I'm working for Z5. And again, his web series called Fashion Street. And maybe many more, yeah. Thank you guys. Yes, sir. Ma'am, yahan pe dekhiye. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.